जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका भाई कमांडो इलायत खान। साथियों, इस समय मैं पहुंचा हूं डॉक्टर अजरुद्दीन साहब ड्रामा हॉस्पिटल। साथियों, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं और माशाल्लाह हमारे 3-4 डॉक्टर बहुत ही मशहूर हैं अभी, और धीरे धीरे हमारी मेडिकल लाइन में यहाँ बड़ी तेजी आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एक मेडिकल हब बनेगा इंशाल्लाह, और हमें आगे नहीं भागना पड़ेगा, दिल्ली अलवर नहीं भागना पड़ेगा। साथियों, बस मैं यही चाहता हूँ कि कौन की खिदमत के लिए ऑलरेडी ये डॉक्टर साहबान तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस गौर फिक्र में कुछ हमारे पास ऐसे केस आ जाते हैं जिस तरह हमारी कमांडो टीम समाज सुधार पिछले 3.5 महीने में 56 बहन जो 3 महीने उनकी शादी में सहयोग कर चुकी है, तो उन्हीं में कुछ लोग ऐसी कारगुजारी आती है हमारे पास कि लोग ऑपरेशन के लिए बड़े बेहाल होते हैं। इसमें पीछे एक बर्मा की औरत थी, उसका इंतकाल हो गया, हम उसको नहीं बचा पाई हमारी कमांडो टीम। कोशिश करी है तो जान माल तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। साथियों, तो उसी उम्मीद को लेकर हम पहुंचे हैं गामा हॉस्पिटल डॉक्टर अजुद्दीन साहब पास, जो माशाल्लाह दीनदार भी है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम गुजारिश की हमने डॉक्टर साहब से बात रखी, तो इंशाल्लाह हमारे पास अगर कोई 1-2 महीने में कोई ऐसा केस आया और हमें लगा मुस्तहिक है, सचमुच मदद का तलबगार है, फितर जकात से उसका गुजारा होता है, गांव समाज उसके लिए उगाही कर रहा है, अगर ऐसा कोई पेशेंट होगा तो इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर अजुद्दीन साहब उसके इलाज करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें हमारी पूरी कोशिश करेंगे, उसमें कम से कम खर्चे पे या हो सके फ्री कर दें, वो एक अलग बात होगी, उस समय देखा जाएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कम से कम खर्चे पर अजुद्दीन साहब उसको इलाज करेंगे, और बकायदा हम लोग लेटर पेड पे लिख के देंगे, उसकी पूरी जवाबदारी लेंगे। ऐसा ना हो कि लोग एडमिट करवा जाते हैं बाद में, तो हॉस्पिटल इतना भी तो जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में मिस्टेक हो जाती है, और उसे भी लाइफ है, तो डॉक्टर हरेक को कंट्रोल नहीं कर पाते, कैजुअल्टी हॉस्पिटल में जाओ आप देखते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ऐसे गरीब लोगों का सहारा बने हमारे डॉक्टर अजुद्दीन साहब, और हमारे मेवात के जितने हॉस्पिटल हैं, मैं सीनियर डॉक्टर से अपील करता हूँ आप लोग आगे आए, और खासकर ब्लड डोनेशन के लिए भी लोगों को मोटिवेशन करें, और हम बहुत जल्दी बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं साथियों, उसका समय तय कर दिया जाएगा ताकि हमारे यहाँ के लोग दूर दूर ना भागे, और मेडिकल में बकायदा उसकी रिक्वेस्ट कर दी जाएगी भाई, यहाँ पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो यहीं से नल्लड से और माटीगढ़ा से उनको ब्लड अवेलेबल हो सके। तो साथियों, उम्मीद है कि मुझे इसी तरह सभी डॉक्टर साहब आगे आएंगे। अजरुद्दीन साहब, शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद अजरुद्दीन गामा हॉस्पिटल का संचालक। पहले से भी जब हॉस्पिटल मैंने इनोग्रेट किया था उस टाइम मेरा खुद का मुद्दा ये था कि जो जरूरतमंद है, इमाम है मस्जिदों के या फिर जो तबलीगी जमात के जो जिम्मेदार साथी हैं उनके लिए, और जो गरीब हैं, जो गरीबी जो हमारी जो BPL समाज है उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके वो खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ, करता आया हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा।